ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में सभी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे डिस्कस करेंगे। तो हमने देख लिया कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने देख लिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, हमने देख लिया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अब आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरीके से लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्जिन का मतलब होता है सर प्रॉफिट। तो मैं बड़ा सीधी सी बात बताऊं ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है वो सेल्स जिसपे हम प्रॉफिट कमाएंगे, जिसपे हम प्रॉफिट कमाएंगे, वो सेल्स जिसके ऊपर प्रॉफिट कमाएंगे। मान लीजिए मेरा 1,00,000 रुपए का सेल्स है और ब्रेक इवन सेल्स मेरा 80,000 का है, ठीक है। 1,00,000 रुपए का मेरा सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स मेरा 80,000 है, तो ब्रेक इवन जो सेल्स है मेरा 80,000, क्या इस पे प्रॉफिट कमाएंगे हम? नहीं। ब्रेक इवन का ही मतलब होता है जहां पे प्रॉफिट नहीं होगा। टोटल सेल अगर 1,00,000 है तो हमें वो सेल्स इसमें से बताओ जिसके ऊपर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जवाब है सर आप कितने पे कमा पाओगे? 20,000। तो यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि वो सेल बताना जिसके ऊपर एक्चुअल हम क्या कमा पा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, MOS लिख देता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट कह लो या फिर सेल्स कह लो। दूसरा, MOS को ना हम परसेंटेज के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? एक्चुअल सेल्स माइनस या फिर 100 माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज, क्योंकि जो MOS है अगर आप सेल्स को 100 मानते हैं और उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट के परसेंटेज को हटा देंगे तो हमारे पास जो जवाब बचेगा वो किसका बचेगा? हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक परसेंटेज बचेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या बच जाएगा? हमारा परसेंटेज बच जाएगा। और कैसे निकाल पाएंगे सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के टर्म्स में? परसेंटेज के टर्म्स में निकाल पाएंगे हम MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द टर्म्स ऑफ रुपीस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू में 100। मैं सभी के एग्जांपल ले लेके करूंगा, ये भी परसेंटेज में निकल के आएगा। और कैसे निकलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी? और कैसे निकलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। अब पीवीआर इंटू में 100 भी होता है अगर नीचे पॉइंट में नहीं रखो। तो इतने तरीके हैं जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम एक एक करके फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि इस वाले को तो समझ लिया कि भैया हमारा अगर 1,00,000 का सेल है और 80,000 ब्रेक इवन है तो आपने बताया सर 20,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल सेल्स हमेशा 100% होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज अगर एग्जामिनर दे दे तो माइनस कर देंगे, फिर MOS आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है यानी बढ़ा हुआ सेल है और टोटल सेल्स का बढ़ा हुआ सेल कितने परसेंट है इनटू 100 करोगे तो वो भी आ जाएगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, अगर प्रॉफिट के डिवाइडेड में प्रॉफिट का ही रेशियो अगर आप रख देते हो तो क्या निकल के आता है, वो सेल निकल के आता है जिसके ऊपर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। चलिए सर, कहता है यहाँ पे, और भाई बुक ले लो, काफी बच्चे ना बहुत कंजूसी करते हैं तो बुक ले लो आप। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंडिपेंडेंट सिचुएशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। पहला पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है आपको और एक्चुअल सेल्स दे रखा है, तो क्या आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो? जी हाँ। पॉइंट नंबर वन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है सर अगर 100 में से मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज को माइनस कर दिया तो MOS का परसेंटेज आ जाएगा। दैट इज हमारे पास कितना आएगा, 100 माइनस में 40 यानी कि 60% आ गया। और अगर इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट चाहिए MOS तो MOS को क्या करना है, एक्चुअल सेल्स में से मल्टीप्लाई कर देना है MOS का परसेंटेज। तो सर एक्चुअल सेल्स हमें दे रखा है जो कि कितना है हमारा 40,000, तो 40,000 में से हम 60% ले लेंगे तो दैट इज आ गया हमारा
24,000 रुपये। तो एक सवाल का आंसर डन हो गया। चलिए आते हैं सवाल नंबर टू पे। टू में कहता है सर एक्चुअल सेल्स हम आपको बता रहे हैं। मैंने ठीक है सर एक्चुअल सेल्स है कितना सर 40,000 एक्चुअल सेल्स है। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 25,000। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा है 25,000। ये रुपीज में है या यूनिट में? सर यूनिट में दोनों है। तो अगेन एक्चुअल सेल्स का यूनिट दे रखा है, ब्रेक इवन अभी अभी रिसेंटली हमने किया है तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर? सर पहले हम निकाल लेंगे एमओएस का परसेंटेज। एमओएस का परसेंटेज क्या होगा? 25,000 क्या दे रखा है? ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है ना? एक्चुअल सेल्स दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है। कोई बात नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं क्या। चलिए एक्चुअल सेल्स का यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट। तो सर एक्चुअल सेल्स क्या होता है? एक्चुअल सेल्स होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का आप यूनिट रख लो और प्लस में एमओएस का यूनिट, यही तो होगा। दोनों का जोड़ ही होता है एमओएस और ब्रेक इवन पॉइंट का। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये भी पता है और ये भी पता है, तो ये इजिली निकल जाएगा। तो आपका एमओएस क्या आ जाएगा? सर आप माइनस कर देंगे, बड़ी सीधी सी बात है, 40,000 में से कितना 25,000। तो आपका जवाब आ गया सर 15,000 रुपये। दूसरे का भी आंसर हमने निकाल लिया है। हाँ यूनिट आएगा, हाँ वो यूनिट लिख दीजिएगा। चलिए एक और आंसर नंबर थ्री पे चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, देखो कितना आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एम ओ एस क्या होगा हमारा 100 में से -75%। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, आप मत समझना कि नहीं आते, ऐसा आएगा क्या? ऐसा 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन्होंने कर रखा है वो तो कर लेगा, जिन्होंने नहीं कर रखा वो सोचेगा सवाल ही गलत है, कुछ दिया ही नहीं इसके अंदर। तो आपको समझना पड़ेगा वो, जैसे एक लाइन का क्वेश्चन दे दिया और 3 नंबर में पूछ लिया कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जिसने पूरा डिटेल में कर रखा होगा तो कर लेगा, जिसने नहीं कर रखा होगा तो बोलेगा कुछ दिया ही नहीं सवाल में, तो कैसे करें हम। तो कई बार ऐसा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट कहता है पीवी रेशियो दे रहे हैं हम, प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। तो आपको पता ही है आपका एमओएस का फॉर्मूला क्या है। एमओएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर, ठीक है ना। और ये जो पीवीआर निकालने जा रहे हैं हमारे, ये एमओएस किस में रहता है? ये एमओएस रहता है हमारा रुपीस में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट है हमारा कितना सर 35,000। 35,000 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे सर 40%, 0.4। तो 35,000 का 0.4 करते हैं हम, 35,000 डिवाइडेड बाई 0.4 यानी 87,500। ये भी आंसर हो गया डन। चलिए सर अगले आंसर पे चलते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंट तो वैसे ही मजेदार है। पांचवा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपए और प्रॉफिट भी दे रखा है आपको। तो सीपीयू दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। सर क्या निकालना है यहाँ पे हमें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का मतलब है सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूँ। सेल्स क्या होता है हमारा? सर सेल्स होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, यही होता है हमारा सेल्स। सर अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इन दोनों का जोड़ क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन होगा। और प्रॉफिट क्या होगा? इसी के अंदर। यानी अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर, तो कंट्रीब्यूशन कहोगे सर फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। ये हमने पहले ही सीखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो आपको कंट्रीब्यूशन का यूनिट दे रखा है, यूनिट यानी 20 है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 20 रुपए एक यूनिट है। नंबर ऑफ अगर यूनिट पता चल जाए तो हो जाएगा बात, बन जाएगा नंबर ऑफ यूनिट। तो आपको दो बातें पता है, आपको फिक्स कॉस्ट नहीं पता चल रहे हैं। फिक्स कॉस्ट इजीली निकाल सकते हो क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है, फिक्स कॉस्ट आपको नहीं पता सर। प्रॉफिट आपको पता है कितना है सर 15,000 है। और हमारा कितने यूनिट बिकेगा, अब ध्यान दीजिएगा, पहले ये सवाल देखिए आप, फिर मैं आगे चलता हूँ। यानी सर हमारे पास ये पर यूनिट है और ये रुपीज में, तो दोनों फ्रैक्शन में अलग अलग आ रहा है। तो अब बात आती है सर कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमें क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हमें सेल्स निकाल के देना है, वो सेल्स निकाल के देना है जो एक्स्ट्रा सेल्स है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। अब हमें कंट्रीब्यूशन दे रखा है, कंट्रीब्यूशन 20 रुपए है सर। तो एक एग्जांपल ये ले सकते हो कि चलो कंट्रीब्यूशन हमारा 20 रुपए है तो वेरिएबल कितना होगा हमारा 80%, ऐसे हो सकता है ना। और आपका एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, जो कि मैं बताऊं कौन सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे लगाने को, नहीं तो इसी फॉर्मूले से पुट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ये क्या है? यूनिट है, रुपीस है। तो मैं ऐसा करता हूं यहां पे फिक्स कॉस्ट को एक्स अगर मान लेते हैं तो ये आ जाएगा 20 रुपए। 20 रुपए से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यूनिट के टर्म्स में, यूनिट के टर्म्स में आ जाएगा हमारा
एक चीज तो इसमें कोई ना कोई मिसिंग तो नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे हाँ, यहां से ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाला ही जा सकता है ना। नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकलेगा। फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए हमें। और फिक्स कॉस्ट अगर मैं कंट्रीब्यूशन 20 रखता हूँ और ये आ जाएगा 15, तो आ जाएगा हमारा 15 डिवाइडेड बाई 20, 750, जो फिक्स कॉस्ट हो नहीं सकता, इन टू में 20, 750, 15,000। ये नहीं होगा। एक बार जिसके पास बुक है, बुक में देख के बताइए यही पॉइंट है या कुछ इसमें मिसिंग है। मैं देख लेता हूँ बुक में। क्योंकि सारे सवाल बुक के ही हैं। चौबीस हजार, 15,000, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, ठीक है। चलिए, तो मैं इस सवाल को दे तो रखा है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बुक के अंदर भी बुक वालों ने क्या करा, इसी को 20% मान लिया, 100 अजम्पशन लेके 20% मान के कर दिया। तो मैं इस सवाल को काट देता हूं। 750 यूनिट निकाल दिया, मेरा आ भी रहा था, लेकिन हम इस सवाल को नहीं करेंगे अब, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट और मिसिंग है जो कि देना चाहिए था मेरे को। जो मेरे पास टाइपिंग है वही है मेरे पास। चलिए ठीक है, बताइए अब दोनों में डाउट, बताइए अब कोई डाउट इसमें।